चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। अ व्हीकल इज मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल रोड विथ वेलोसिटी वी, द स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। एक कार है, ठीक है, अज्यूम करो ये कार मैंने बना दिया, और ये रफ वर्ड यूज किया है, रफ हॉरिजॉन्टल रोड है, यानी फ्रिक्शन है इसमें, ठीक है। तो ये रोड है और ये कार, यहाँ पर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है, एज्यूम करो v है, ठीक है, मास स्मॉल m कंसिडर कर लेते हैं। और यहाँ पर कार कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, क्योंकि फ्रिक्शन है, रफ सरफेस है, तो फ्रिक्शन फोर्स तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक अगर s कंसिडर कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यहाँ पर आके ऑब्जेक्ट रुक गया, यानी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई कार की। तो काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हुई हाफ एम वी स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, जीरो, ठीक है। तो ये जो फोर्स लग रहा है, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो जो वर्क डन होगा वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से होगा, कंजर्वेटिव फोर्स तो यहां पर डाउनवर्ड लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स, तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो वर्क डन तो जीरो हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना इसके, कंजर्वेटिव फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज इसी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से आएगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, अच्छा वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स इनटू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट साइड में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में है, दोनों के बीच का एंगल 180 है, और कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन, तो एफ आर इंटू एस इंटू माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू एम वी स्क्वायर, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एफ आर इंटू एस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, जनरली होती है म्यू इंटू एन, ठीक है, और वन अपॉन टू एम वी स्क्वायर। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होती है, नॉर्मल रिएक्शन तो ऑब्वियस सी बात है एम जी के इक्वल होगा, ठीक है, तो ये वैल्यू हम पुट करते हैं, एम इंटू जी इंटू एस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, अगर एम से एम कट जाए तो ये क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ये हो जाएगा वन बाई टू वी स्क्वायर बाई म्यू इंटू जी, ठीक है। अच्छा अब वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, एस इज क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो कॉन्स्टेंट होगा और जी की वैल्यू भी कॉन्स्टेंट होती है, तो प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होती है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो सी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।